हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस नाउ टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेफ्ट पोर्शन ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल एंड वाटर बजट इक्वेशन हाइड्रोलॉजिक साइकिल का बहुत सारा हमने कवर कर लिया है थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है हम इस क्लास में देखते हैं तो हमने बात की थी इंटरसेप्शन की इंटरसेप्शन क्या होता है बहुत अच्छे से हमने समझा था है ना? आज हम बात करते हैं कि रन ऑफ क्या होता है रन ऑफ एक टर्म आई थी हाइड्रोलॉजिक साइकिल में रन ऑफ तो हम बात करते हैं रन ऑफ क्या होता है बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं अगर यहाँ पे ये सब समझ में आ गया तो हमें फिर बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रन ऑफ प्रेसिपिटेशन इंटरसेप्शन ये बहुत बार ये टर्म यूज़ करेंगे हम है ना स्ट्रीम फ्लो क्या होता है रन ऑफ क्या होता है ट्रांसपीरेशन क्या, क्या होता है है ना तो आज हम देखते हैं कि रन ऑफ क्या होता है रन ऑफ अगर हम सब सिंपल वे में ऐसी बात करें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब प्रेसिपिटेशन होता है रेनफॉल होती है तो हमको जो ओवरलैंड फ्लो जो दिखता है जो हम देख सकते हैं कि जब बारिश होती है और जो सॉइल सरफेस से जब पानी बहता है उसको हम जनरली रन ऑफ कह देते हैं तो आज हम देखते हैं रन ऑफ होता क्या द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन विच बाय अ अराइटी ऑफ पाथ्स अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ रीच द स्ट्रीम चैनल इज कॉल्ड रन ऑफ तो जो प्रेसिपिटेशन जब होता है तो वो जैसे ये ग्राउंड है ये ग्राउंड है अर्थ सरफेस है ये ठीक है तो बारिश हुई प्रेसिपिटेशन हुआ तो क्या होता है जब पानी बारिश हुई पानी गिरा तो ये से ये एक तो सबसे पहले ओवरलैंड फ्लो होता है ठीक है कुछ परकुलेट हो जाता है है ना परकुलेट मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द अर्थ तो ये यहाँ से जब परकुलेट हो जाता है तो जहाँ ये ऐसे मूव करने लग जाता है ठीक है ये ऐसे मूव करने लग जाता है और ये कहाँ पे अंडरग्राउंड अर्थ में ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ओवरलैंड फ्लो है तो ये जाके यहाँ पे एक स्ट्रीम है ये वाटर स्ट्रीम है स्ट्रीम मीन्स नाली है मान लीजिए ये स्मॉल रिवर है तो ये वाटर स्ट्रीम है तो ये वाटर जाते जाते इस स्ट्रीम से मिल जाता है ठीक है और ये वाला वाटर भी जो ओवर लैंड फ्लो हो रहा है अपर सरफेस ऑफ अप द अर्थ ठीक है तो ये भी जाके इस स्ट्रीम से मिल गया और ये अंडरग्राउंड वाला वाटर भी जाके जो अंडरग्राउंड जो फ्लो हो रहा है वो भी जाके इस स्ट्रीम से जाके मिल गया तो हमारा ये डेफिनेशन है द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन ये प्रेसिपिटेशन हुआ तो उसका जो वाटर है उसका जो वाटर का पोर्शन है जो अलग अलग पाथ से होते हुए या तो सॉइल के ऊपर या सॉइल के अंदर या अर्थ सरफेस पे या अर्थ के अंदर अलग अलग पाथ से होते हुए ये ये अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो मैं इसको बड़ा बनाता हूं ये है वाटर स्ट्रीम और ये अंडरग्राउंड वाटर फ्लो होके के इससे मिल जाता है और ये भी यहाँ आके इससे मिल जाता है ठीक है तो अलग अलग पाथ से होते हुए जब प्रेसिपिटेशन इस स्ट्रीम से मिल जाता है तो हम इस स्ट्रीम चैनल जो है इसको हम बोलेंगे रन ऑफ ठीक है ये स्ट्रीम चैनल पे जो हमें रन ऑफ मिलेगा जो वॉल्यूम मिलेगा या जो डेप्थ मिलेगी रन ऑफ की हम इसको क्या बोलेंगे ये डेप्थ के टर्म में हम यूज़ करते हैं या वॉल्यूम के टर्म में हम रन ऑफ को यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे रन ऑफ आया समझ में अब एक बार वंस इट एंटर्स चैनल ये स्ट्रीम चैनल में जब एक बार ये जो पोर्शन ऑफ वाटर है ये आके यहाँ पे मिल गया तो ये रन ऑफ जो है ये जो रन ऑफ हो रहा है ये रन ऑफ क्या कहलाएगा स्ट्रीम फ्लो इसी को हम क्या बोलेंगे स्ट्रीम फ्लो मतलब ये रन ऑफ है और ये रन ऑफ जो इससे मिल गया और यहाँ पे बहने लगा मिल के तो हमको इस स्ट्रीम को बोलेंगे हम स्ट्रीम फ्लो इस स्ट्रीम के जो फ्लो को बोलेंगे स्ट्रीम फ्लो और ये जो वाटर है जो आ, अपर सरफेस ऑफ अर्थ और अंडरग्राउंड जो वाटर है ये जाके इस स्ट्रीम से मिल जाएगा इसको हम बोलेंगे रन ऑफ तो एक बार और डेफिनेशन द पोर्सन ऑफ द प्रेसिपिटेशन विच रीच द स्ट्रीम चैनल कॉल्ड रन ऑफ। वंस इट एंटर्स स्ट्रीम चैनल रन ऑफ बिकम्स स्ट्रीम फ्लो हम इसको स्ट्रीम फ्लो बोलेंगे ठीक है ये मेजर नहीं किया जा सकता ये तो फ्लो है सिर्फ सिर्फ हम वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे रन ऑफ वॉल्यूम इस स्ट्रीम ये जो स्ट्रीम इस है इसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे हम रन ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो आई थिंक यू पीपल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस थिंग तो हमारी ये डेफिनेशन हो गई ठीक है अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो हमने पढ़ा है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं तो

और नंबर थर्ड क्या है चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्टेज एक एग्जांपल से समझते हैं इसका एग्जांपल जैसे एक प्रोसेस हो रही है रेनफॉल की ठीक है तो उसमें चेंज ऑफ स्टेज और ट्रांसपोर्टेशन होगा ठीक है स्टेट चेंज कैसे होगी वो अलग अलग पाथ से होके ट्रांसपोर्ट होगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी ठीक है और नंबर दूसरा क्या है ग्राउंड वाटर जो पाथ है तो ये अगर हमारे क्वेश्चन में आया कि एस्पेक्ट्स क्या है हाइड्रोलॉजिक साइकिल के तो आप ये लिख सकते हैं ठीक है मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखते हैं मेनली टू कंपोनेंट होते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल के जो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिक साइकिल के हम ब्रॉडली uh, क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन या फ्लो हम जिसको कहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिक साइकिल के और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टोरेज कंपोनेंट फर्स्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड इंपोर्टेंट कंपोनेंट स्टोरेज ठीक है अब हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में कौन कौन से चीजें आएंगी स्टोरेज कंपोनेंट में कौन कौन से चीजें आएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में सबसे पहले तो आता है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन दूसरा आता है इवेपोरेशन थर्ड आता हमारा ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट आता है हमारा इनफिल्ट्रेशन और नेक्स्ट आता है हमारा रन ऑफ ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में आते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज कंपोनेंट स्टोरेज कंपोनेंट कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं स्टोरेज ऑन द लैंड सरफेस स्टोरेज ऑन द लैंड सरफेस अब स्टोरेज ऑन द लैंड सरफेस में जो लैंड का सरफेस है वहां पे जो जो भी स्टोरेज होगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है बताइए आप लोग जैसे हमारे पॉन्ड्स हैं है ना जैसे इसके अंदर क्या है पॉन्ड्स और क्या है लैक्स और रिजर्वायर्स और डिप्रेशन स्टोरेज मतलब कोई भी एक डिप्रेशन है अगर लैंड में डिप्रेशन वहां पानी भर जाता है तो हम उसको भी स्टोरेज कंपोनेंट्स एज कंसिडर कर सकते हैं डिप्रेशन स्टोरेज और नेक्स्ट हमारा आता है ग्राउंड वाटर स्टोरेज ग्राउंड वाटर स्टोरेज ये किसमें आएगा स्टोरेज कंपोनेंट ओके तो यदि इफ यू पीपल हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटिंग टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज जैसे कि अगर प्रेसिपिटेशन क्या होता है ई वेपोरेशन क्या होता है ट्रांसपीरेशन क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया इसको आप फिर से समझाइए या इस लेक्चर का ये पोर्सन या ये टर्म समझ में नहीं आ रही है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हम बिल्कुल वहाँ पर समझाएँगे और नेक्स्ट चीज़ कि आप सभी लोगों को गूगल क्लासरूम में ज्वाइन होना ही है ये मस्ट है बिल्कुल वहाँ आपकी अटेंडेंस होगी और अटेंडेंस शॉर्ट होने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है तो मैं जब भी क्लास लेता हूँ मतलब मेरा वीडियो लेक्चर जब भी डलता है तो सभी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर ही आना चाहिए गूगल क्लासरूम में सभी स्टूडेंट का तो उससे मैं मानूंगा कि हाँ सारे स्टूडेंट एक्टिव हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं और कोई डाउट होता है तो वहां पे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और जो डाउट आपको है वो किस लेक्चर से रिलेटेड है लेक्चर का डेट कि इस डेट ये डेट पे इस डेट के लेक्चर पे हमें ये चीज समझ में नहीं आई या ये चीज आप फिर से समझा दीजिए जो भी टर्म है जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बाकायदा स्पष्ट उसका बताइए कि कौन सा लेक्चर है उसका डेट आगे बढ़ते हैं अब आप बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट का हम एक डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रेसिपिटेशन हुआ ठीक है ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन हो रहा है ये अर्थ सरफेस है ठीक ये स्ट्रीम फ्लो ये स्ट्रीम फ्लो या रन ऑफ हम जिसको बोलते हैं जैसे हमने अब भी देखा था रन ऑफ किसे कहते हैं ठीक ये रन ऑफ जब इनफिल्ट्रेशन होता है उसके बाद में फिर इंटर फ्लो होता है ठीक है जो किससे जाके मिल जाता है स्ट्रीम से और इंटर फ्लो के बाद क्या होता है बेस फ्लो हम इंटरफ्लो बेस फ्लो समझेंगे क्या होता है इंटरफ्लो होता है फिर बेस फ्लो होता है और ये दोनों जाके किससे किससे ज्वाइन हो जाते हैं स्ट्रीम से ठीक है और रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो बन जाते हैं ठीक इसके बाद में जो और हम नीचे देखें तो क्या होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो वाटर अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड फ्लो होता है अंडरग्राउंड वाटर फ्लो होता है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल तो उसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो होता है ठीक है और ये ग्राउंड वाटर बन जाता है या ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है ग्राउंड वाटर स्टोरेज के फॉर्म में तो ये है the quantity of water going through various individual parts of hydrologic cycle theek hai in a given system can be described by the continuity principle known as water budget equation or hydrologic equation hum iske baad water budget equation padhenge ki kitna inflow hua <coughs> Water budget equation में हम क्या पढ़ेंगे कि कितना inflow हुआ कितना outflow हुआ और कितना store हो गया तो तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज यह हम आगे पढ़ेंगे वाटर बजट इक्वेशन में तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द टोटल वाटर रिसोर्सेस ऑफ अर्थ क्या है कॉन्स्टेंट है है ना और सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आ रिकोगशन ऑफ द वेरियस प्रोसेस सच एस ई वेपोरेशन है ना इेपो ट्रांसपीरेशन precipitation, groundwater flow helps one to study the science of hydrology in a systematic way. ये देखो ये यहाँ से एक तो सॉइल से भी ई हो रहा है इनफिल्ट्रेशन हुआ उसके कैपिलरी pore से भी evaporation होगा और इनफ्लो या ग्राउंड वाटर से भी ई होता है कभी कभी जब ये बाई द एक्शन ऑफ कैपिलरी ये जब ऊपर चढ़ता है वाटर तो उसका भी इवेपोरेशन हो जाता है ठीक है तो हम ये देखते हैं उसके बाद कि एक मैन कैसे इंटरफेयर कर सकता है इस हाइड्रोलॉजिक साइकिल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन के साथ आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिक साइकिल एक्सप्लेन ब्रीफली द मेंस इंटरफेरेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑफ दिस साइकिल तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो हमको ये पढ़ना पढ़ते हैं कि कैसे एक इंसान हाइड्रोलॉजिक साइकिल पे इंटरफेयर कर सकता है मेंस इंटरफेरेंस मैन इंटरफेयर तो वन रियलाइज मैन कैन इंटरफेयर विथ वर्चुअली एनी पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल रेन हम आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं ठीक है उससे हम इंटरफेयर कर सकते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल में ओके दूसरा ई वेपोरेशन सपरेशन करवा दें हम ई वेपोरेशन रोक दें जैसे कि बहुत सारे जैसे आ, ईवेपोरेशन को कम करने के लिए हम पौंड में कुछ एक केमिकल डालते हैं साइकोसेल वगैरह हो गया या और भी लीफ और भी दूसरे दूसरे केमिकल्स होते हैं जिसको हम पॉन्ड uh, में डालते हैं मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है उसको हम डालते हैं तो ई वेपोरेशन उस पर रेट जो होती है वो कम हो जाती है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो ई वेपोरेशन हो जाता है चेंज ऑफ वेजिटल कवर अगर हम वेजिटल कवर को चेंज कर दें अर्थ के सरफेस पे तो हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल को इंटरफेयर हाइड्रोलॉजिक साइकिल में इंटरफेयर कर सकते हैं लैंड यूज़ हम लैंड का यूज़ कैसे कर रहे हैं हम उस पर क्रॉप का कैसे हम क्रॉप रोटेशन लग कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं या लैंड का कैसे यूज़ कर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हम कितना ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उससे भी हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल पे इंटरफेयर कर सकते हैं तो इन हेड्स है ये हेड्स के अलोंग आपको लिखना है इंटरफेरेंस एट वन स्टेज अगर हम इसके किसी भी एक स्टेज में इंटरफेयर करते हैं मैंने अभी पे क्या बताया कौन-कौन से स्टेज बताइए सबसे पहला क्या है हम आर्टिफ Rain, artificial रेन आर्टिफिशियल रेन करवा के हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल में इंटरफेयर कर सकते हैं दूसरा ई वेपोरेशन करवा दें ई वेपोरेशन सपरेशन थर्ड हमारा चेंज ऑफ वेजिटल कवर चेंज ऑफ वेजिटल कवर और क्या कर सकते हैं हम लैंड यूज हमारा लैंड यूज पैटर्न अगर हम चेंज करें तो हम उस पर हाइड्रोजिक साइकिल पे बहुत हद तक इंटरफेयर कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ठीक है द हाइड्रोलॉजिकल साइकल हैज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर हाइड्रोलॉजिक साइकिल इन्फ्लुएंस कर सकता है एग्रीकल्चर को है ना फॉरेस्ट्री को जियोग्राफी को इकोनॉमिक्स को भी इवन इकोनॉमिक्स को भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल इंटरफेयर कर सकता है हैं सोशियोलॉजी को भी कर सकता है पॉलिटिकल साइंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल एनहेंस द सब्जेक्ट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी आर फाउंड इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स डीलिंग विथ वाटर सप्लाई हाइड्रोलॉजिक साइकिल कैसी है उस एरिया की उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ वाटर सप्लाई को इंस्टॉल कर सकते हैं कैसी वाटर सप्लाई रहेगी इरिगेशन कैसे देना है हमें हाइड्रोलॉजिक साइकिल पे डिपेंड करेगा ना हम इरिगेशन हम अपनी क्रॉप पे इरिगेशन कैसे करते हैं या कितना करना है इरिगेशन या कितना वाटर टेबल uh, है उसके अकॉर्डिंग ड्रेनेज कितना हमको देना पड़ेगा कि, किस हिसाब से ड्रेनेज चैनल लगाना पड़ेगा एंड ड्रेनेज की टाइप uh, क्या होनी चाहिए उसके वाटर टेबल पे डिपेंड करेगा उसके हाइड्रोलॉजिक साइकिल पे डिपेंड करेगा वाटर पावर फ्लड कंट्रोल कैसे करना है हमें हाइड्रोलॉजिक साइकिल पे डिपेंड करेगा ये कितनी सीवियर है हाइड्रोलॉजिक साइकिल है ना नेविगेशंस तो ये सब हाइड्रोलॉजिक साइकिल में हमने ये जाना सो so, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं इस लेक्चर पे करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी क्लासेस अब रेगुलर हो रही हैं तो अटेंडेंस भी रेगुलर होनी चाहिए तो अटेंडेंस में उन्हीं बच्चों का मानूंगा जो ये लेक्चर सुन के अपने खुद के डेली नोट्स प्रिपेयर करके डेट के साथ अपनी कॉपी में सबसे ऊपर डेट लिखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग में और मुझे गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे डेली का डेली मैं डेली उनके नोट्स चेक करूँगा और उनकी अटेंडेंस डालूंगा तो सभी बच्चे अपने ध्यान रखें डेली नोट्स बनाएं जो मेरा लेक्चर जिस टॉपिक पे होगा उसी टॉपिक पे आप डेली नोट्स बनाइए सो कीप दिस इन योर माइंड ओके अटेंडेंस उसी के बेसिस पे मिलेगी आपको और आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है मेरे को गूगल क्लासरूम में अपने कमेंट बॉक्स में वो क्योरी आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स